हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल दी स्टडीज़। फ्रेंड, यहाँ पे डिस्कस करेंगे सामान्य विज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चंस, जो कि आने वाले किसी भी एग्जामिनेशन, चाहे वो रेलवे का हो या फिर सी टेट का हो, टेट का हो, या फिर जो भी एग्जामिनेशन जहाँ पे जनरल साइंस आता हो, वहाँ के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, ये 25 सिलेक्टेड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन है, डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड, यह इसका आंसर होगा कोलकाता में डायमंड हार्बर सिटी स्थित है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है। तो फ्रेंड, यहाँ पे इसका आंसर होगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से महाविस्फोट का सिद्धांत संबंधित है। फ्रेंड, जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग जो थ्योरी है, वो अभी ब्रह्मांड की उत्पत्ति उसी से हुई है, ऐसा वैज्ञानिकों का माना जाता है। बिग बैंग थ्योरी से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति वैज्ञानिक मानते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैंगिंग किस फसल में होने वाली प्रक्रिया है। तो पैंगिंग जो होता है, मूंगफली फसल में होने वाली एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा मूंगफली का उत्पादन होता है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। तो फ्रेंड, यहाँ पे वुल्फिया जो होता है, संसार का सबसे छोटा पुष्प होता है जिसका व्यास 0.1 mm होता है, सॉरी 0.1 mm होता है। एंड फ्रेंड, जो छोटा पुष्प है उसका वुल्फिया है, और सबसे बड़ा पुष्प जो होता है रेफ्लेसिया होता है, रेफ्लेसिया सबसे छोटा पुष्प रेफ्लेसिया होता है, और इसका जो व्यास होता है 1 मीटर होता है, और इसका जो वजन 8 kg होता है, 1 mm इसका व्यास होता है और इसका वजन 8 kg होता है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है, यह किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। तो फ्रेंड, जो सौर मंडल होता है उसमें क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। फ्रेंड, ये जैसे मंगल है और ये बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है सौर मंडल का, इसके बीच में छोटे छोटे पिंड होते हैं, यही क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। तो फ्रेंड, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। और फ्रेंड, जो बृहस्पति है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और इसका जो उपग्रह है गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह होता है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनाल्फथालीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो फ्रेंड, संकेतक के रूप में फिनाल्फथालीन का प्रयोग किया जाता है जो अम्ल क्षार के अनुपात को दर्शाता है। तो फ्रेंड, अम्ल क्षार और जो लवड़ होता है, ये तीन होते हैं, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो लवड़ है, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षार होता है, और जिसका पीएच मान 7 होता है, एक्यूरेट 7 होता है, वो लवड़ होता है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं। तो फ्रेंड, जो कांगो घाटी होता है वहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकुधारी वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है वहीं पे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथोफोबिया में किस चीज़ से व्यक्ति डरता है। तो फ्रेंड, एंथोफोबिया में व्यक्ति पुष्पों से डरता है। तो फ्रेंड, जो जहाँ भी फोबिया वर्ड आ जाए वहाँ पे व्यक्ति किसी ना किसी चीज़ से डरता है, तो फोबिया। फ्रेंड, इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया हुआ है उसमें यही फोबिया से रिलेटेड 25 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो फ्रेंड, जो बुरलाग पुरस्कार है वो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। जो नॉर्मल डी बुरलाग थे वो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, उन्हीं के सम्मान में यह पुरस्कार दिया जाता है। और जो भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन थे। फ्रेंड, जो हरित क्रांति होता है उसमें उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करके कृषि का उन्नत संस्करण बनाया जाता है। तो जो हरित क्रांति होता है उसके जनक भारत में स्वामीनाथन थे। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्यतः स्रोत क्या होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो होगा रेफ्रिजरेटर ओजोन परत के क्षरण में मुख्य इसका स्रोत है। तो फ्रेंड, जो ओजोन परत होता है वो समताप मंडल में पाया जाता है, और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका CFC रासायनिक नाम है, इसका मुख्य उत्सर्ग रेफ्रिजरेटर ही होता है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून की किसकी कमी के उपस्थिति के कारण खून नहीं जमता है। तो जो फ्रेंड, मानव शरीर में खून हीपेरिन की कमी की वजह से नहीं जमता है, और हमारे ब्लड का थक्का नहीं बन पाता है, कभी कभी व्यक्ति का इससे मृत्यु भी हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हीपेरिन की कमी की वजह से रक्त का थक्का नहीं बनता है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो आंसर होगा वह है
कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है फ्रेंड। यह बहुत ही जल्दी एनर्जी हमारे शरीर में पैदा कर देता है। जैसे प्लेयर्स होते हैं वो खेलते समय यही इसी का यूज करते हैं। जब जो भी रेसर्स होते हैं ग्लूकोज जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ही ज़्यादा पाई जाती हैं उसे लेने से तुरंत ही एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। तो फ्रेंड यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है चावल भी इसका मुख्य स्रोत होता है। ऐसे तो ग्लूकोज जो होता है इसका सबसे प्रमुख स्रोत है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रोमोसोम्स किस में पाया जाता है? फ्रेंड जो क्रोमोसोम्स होता है यह किसी भी लिंग का निर्धारण करता है। तो जो टेरिफाइट्स होता है उसमें सबसे अधिक क्रोमोसोम्स पाया जाता है, और जो मनुष्य होते हैं उसमें 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। फ्रेंड आप लोग को पता है कि जो मनुष्य के लिंग का निर्धारण होता है इसी पे डिपेंड करता है। अगर एक्स एक्स हैं तो गर्ल्स हैं, अगर एक्स वाई है तो वो बॉयज़ होते हैं। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो 46 होते हैं और सबसे ज़्यादा टेरोफाइट्स में पाए जाते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है? तो फ्रेंड ये जो एड्रिनल ग्रंथि है इसे जीवन रक्षक हार्मोन स्त्रावित होता है। तो फ्रेंड इसे जो लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दिया जाता है यानी दान किया जाता है? तो फ्रेंड यहाँ पे जो कार्निया होता है जो आँख का जो सामने जो हमारी आँख में दिखता है ब्लैक कलर का वही कार्निया होता है इसी का दान किया जाता है। फ्रेंड इसको 24 आवर के अंदर ही प्रत्यारोपण किया किसी के अंदर लगाया जाता है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो फ्रेंड यहाँ पे जो चार हैं टैनिन थियोफाइलिन और थिनाइन कैफिन ये तीनों चाय में पाए जाने वाले तत्व है। फ्रेंड इसमें से कोई एक देकर चार ऑप्शन में कोई एक उपस्थित होता है जिसमें से हमें चुनना रहता है। तो फ्रेंड इस तीनों को आप याद कर लीजिएगा ताकि कभी भी चूज करने में दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड जो टैनिन होता है ये चाय में पाया जाता है और थियोफाइन और थिनाइन कैफिन। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो फ्रेंड यहाँ पे 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन आयोजित किया गया था। तो इसका फ्रेंड आंसर हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना में। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोचिप में क्या होता है? तो फ्रेंड जो बायोचिप होता है उसमें आरएनए डीएनए और प्रोटीन इन तीनों से मिलकर के बायोचिप का निर्माण होता है। तो फ्रेंड जो आरएनए होता है राइबो न्यूक्लियर अम्ल न्यूक्लियम और फिर डीएनए डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियस अम्ल होता है तथा प्रोटीन। तो फ्रेंड जो बायोचिप होता है इन तीनों से मिलकर के बना होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो डीएनए है इसी पे जीन पाए जाते हैं जो कि अनुवांशिकी का पता लगाते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव रक्त में नहीं, कौन सा ऐसा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता किंतु वह सांस लेता है? तो फ्रेंड यहाँ पे आंसर हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं पाया जाता है लेकिन फिर भी यह सांस लेता है। फ्रेंड हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ्रेंड अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है? तो फ्रेंड जो हीमोग्लोबिन है इसके संश्लेषण की क्षमता उसमें नहीं पाया जाता है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलोफाइडा पौधों के समूह को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड जो शैवाल होते हैं वो थैलोफाइडा समूह में आते हैं। फ्रेंड ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम विकसित जानवरों और पौधों में कौन सा प्रजनन होता है? तो जो फ्रेंड अल्प विकसित जानवर होते हैं या पौधे होते हैं उसमें अलैंगिक प्रजनन होता है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकिन प्लांट किससे संबंधित है? तो फ्रेंड जो लाइकिन होता है वो थैलोफाइटा डिवीजन से संबंधित है। फ्रेंड जानते हैं कि जंतु जगत को कई भागों में डिवाइड किया गया है, तो जो लाइकिन होता है वो थैलोफाइटा वर्ग से संबंधित है। फ्रेंड इसी के ये तो हमारे क्वेश्चन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन है, एक फूल की पराग उसके वर्तिकाग्र ग्रह तक पराग कणों का स्थानांतरण को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड यहाँ पे इसका आंसर होगा पराग कण ही जो होता है उसका स्थानांतरण को कहा जाता है। फ्रेंड हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा और देखने के लिए थैंक यू।